मेकनिज्मेंट स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशन फस्टाकॉन्टेंट्स मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेट्स एग्जांपल ऑफ ट्यूनिकेट्स, एग्जांपल ऑफ वर्टिब एमबी मोजेक डेवलपमेंट एंड द रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट्स ऑफ साइटोप्लाज अगर हम देखें डिवेलपमेंट के प्रोसेस में डिवेल्पमेंट के प्रोसेस में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सेल के पास जो जईगोट है जिसने आगे पूरा एक यंग वन बनाना है एक पूरा इंडिविजुअल बनाना है इट इज़ हैविंग वन न्यूक्लियस न्यूक्लियस मौजूद है न्यूक्लियस के लिए तो प्राइम जो एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने शो किया है कि जी अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो डिवेलपमेंट होती ही नहीं है डिवेलपमेंट का प्रोसेस सेल डे नहीं पॉसिबल नहीं है सो न्यूक्लियस इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंट है इसकी न्यूक्लियस की वजह से सेल डिवाइड करेंगे एग्रीगेट बनाएंगे उसका तो एक सेल से बहुत सारे सेल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द सेल डिवीजन न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन करवाएगा अब सेकेंड जो स्टेप है वो ये है कि जब बहुत सारे सेल्स बन गए हैं हाउ दी सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू डिफरेंट ऑर्गन्स ये सेल्स तो सारे के सारे एक जैसे हैं सब में एक जैसा न्यूक्लियस पाया जाता है देन हाउ दे आर मॉडिफाइड इंटू डिफरेंट ऑर्गन्स तो फिर ये मुख्तलि कैसे होते हैं कैसे ये लेग्स बना रहे हैं कुछ लेग्स बना देंगे कुछ हमारा हेड बना देंगे कुछ आर्म्स बना देंगे कुछ किडनीज बनाएंगे कुछ लंग्स बनाएंगे तो क्या वजह है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट एक जैसे सेल्स होने के न्यूक्लियस एक जैसा होने के बावजूद सेल्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनवाते हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दैट इज द इट मीन्स कि जो साइटोप्लाज्म इज आल्सो हैविंग सम इंपॉर्टेंस साइटोप्लाज्म की भी एक खास इंपॉर्टेंस जो है वो मौजूद है सो अगर हम सेल डिवीजन को देखें तो न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड्स बट साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड्स जब एक सेल डिवाइड करेगा तो साइटो जो न्यूक्लियस है वो तो दो एक न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस बनेंगे जो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन जो साइटोप्लाज्म है अब वो जब दो हिस्सों में तकसीम होगा तो एक तरफ वाले साइटोप्लाज्म में जो कुछ होगा वो एक सेल को चला जाएगा और दूसरी तरफ साइड के ऊपर जो साइटोप्लाज्म के मालिक्यूल्स होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर आमतौर पर वो स्पेसिफिक मालिक्यूल्स हैं विच आर कॉल्ड डिटर्मिनेट्स डिटर्मिनेट्स वो मालिक्यूल्स हैं जो सेल्स को इंड्यूस करते हैं फॉर सेंथसिस आर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन को आगे जाओ तो जिस ब्लास्टोमेर को जिस तरह के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जाएगा तो वैसे ही सेल्स आगे बनवाना शुरू कर देगा इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज द ट्यूनिकेट्स हैं ट्यूनिकेट्स का अगर हम देखें तो उसके जो साइटोप्लाज्मा इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं उन तो डिफरेंट कलर्स में अगर हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म डिफरेंट कलर्स में अपीयर होता है और हर खास टाइप का जो कलर है वो खास किस्म का जो बॉडी ऑर्गन बनवाएगा मसलन टिनिकेट्स के जो जाइगोड के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो येलो वाला पोर्शन है जिन सेल्स को येलो साइटोप्लाज्म मिलेगा दे विल फार्म द मसल्स सिमिलरली दो सेल्स विच विल ऑब्टेन द ग्रे इक्वे जो उसके जाओ इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जिनको इक्वेटर के करीब दरमियान वाला ग्रे साइटोप्लाज्म मिलेगा दे विल form द notochord एंड द न्यूरल ट्यूब वो notochord और नर्वस सिस्टम बनाएंगे इस तरह से वो सेल्स जो बिल्कुल जिनको क्लियर साइटोप्लाज्म मिलेगा तो साथ जो क्लियर साइटोप्लाज्म जिन सेल्स को मिलेगा दे विल फॉर्म द फार्मीडर्मस एंड सिमिलरली वो सेल जिनको ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म मिलेगा यानी वेजिटल पोल के ऊपर जो साइटोप्लाज्म है वो मिलेगा दे विल फॉर्म द गट तो इसका मतलब है कि जोन से कलर का साइटोप्लाज्म जिन सेल को बनेगा वो अपने उसी टाइप के सेल जो आगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है वो बनवाना शुरू कर देंगे इफ़ दू वी कम्पेयर दिस फिना विद वर्टीब्रेड्स तो वर्टिब्रेड्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉमिले एक्जाम्पल नहीं मिलती है वर्टीब्रेड्स के अंदर आम अंदर तो आमतौर पर जो साइटोप्लाज एक जैसा होता है उसमें बाकायदा इस तरह से डिफरेंट रीजनिंग नहीं होती है डिफरेंट कलर्स नहीं होते हैं बल्कि आमतौर तो पर साइटोप्लाज एक जैसी होता है वर्टीब्रेड के अंदर जो साइटोप्लाज्म का इम्पैक्ट है वह कि जो फर्टिलाइज एग या जाइगोट होगा उसके अंदर ग्रेक रिसेंट बनता है जी दिस ग्रे इज इंपॉर्टेंट इन द डिवेलमेंटल प्रोसेस तो जहां ये ग्रे क्रिसेंट जाएगा वहीं से एक्चुअली आगे गेस्टोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट जो आगे प्रोसीड करेगी अब डिवेलमेंट के अंदर दो तरह के पैटर्न हमें मिलते हैं द वन इज कॉल्ड द मोजेक डिवेल्पमेंट मोजेक डिवेल्पमेंट का जो फिना है इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोटोस्टोम्स अगर बताए एनिमल्स में दो कैटेगरीज हैं प्रोटोस्टोम्स प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम हैं प्रोटोस्टोम्स के अंदर यह है कि डिफरेंट जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनको डिफरेंट साइटोप्लाज्म के पोर्शन जाते हैं अगर हम मार्क करें तो हर साइटोप्लाज्म का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसने खास किस्म का बॉडी ऑर्गन बनाना है अगर डेवलपमेंट के दौरान हम फ्यू ऑफ द ब्लास्टोमियर्स को वहाँ से निकाल दें एक एम्ब्रियो है उसमें से एक ब्लास्टोमियर को वहाँ से निकाल देते हैं अब उस ब्लास्टोमियर ने जो सा ऑर्गन बनाना था अब जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके अंदर वो ऑर्गन मिसिंग होगा यानी सिंपली अगर हमारे पास एक एम्ब्रियो है उसके वो खास ब्लास्टोमियर ने आगे लिम्ब बनवानी थी अगर हमने वो ब्लास्टोमियर वहाँ से अलग कर दें तो जो एम्ब्रियो रह गया वो लिम्बलेस होगा उसकी टांगे नहीं होंगी दिस फिनिना इज कॉल्ड द मोजेक डिवेल्पमेंट द सेकेंड फिनमिना इज द रेगुलेटिव डिवेल्पमेंट रेगुलेटिव डिवेलपमेंट मोजेक डिवेलपमेंट से थोड़ा सा जो डिफरेंट है डिफरेंट इस तरह से है कि मुझे रेगुलेटिव डेवलपमेंट में एवरी सेल इज़ कैपेबल टू सेंटिस कंप्लीट टाइप ऑफ सेल्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रेगुलेटिव में एक एम्ब्रियो सारे जो एक ब्लास्टोमियर होगा जो एक सेल होगा एम्ब्रियो का वो तमाम तरह के ऑर्गन जो है बना सकता है इसलिए रेगुलेटिव डिवेलपमेंट वाले एनिमल्स में से अगर हम ब्लास्टोमियर अलग कर लें तो उस ब्लास्टोमियर की जगह और ब्लास्टोमियर आकर उसको रिप्लेस करेंगे और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर कोई भी ऑर्गन मिसिंग नहीं होगा Which means regulative development if some blastomere is missing, the other blastomere they replace that blastomere.